यूरोप में आने के बाद ये पहली पैकेज ड्रिंकिंग वाटर मेरी, वरना तो टैप वाटर ही पी रहा हूँ। Hey, my name is Raja and I'm on the road for more than a year. Follow my journey to see how to travel around the world with our Indian passport. 35 countries and counting. हॉस्टल से चेकआउट कर लिया है प्राग में। मैं लेने वाला हूँ ट्रेन फ्रॉम प्राग टू ब्रूनो। ब्रूनो इज द सेकेंड बिगेस्ट सिटी इन चेक रिपब्लिक। हाँ, ट्रेन नॉट बस, क्योंकि ट्रेन सस्ता है। ट्रेन मुझे पड़ा सिर्फ 4 यूरो में, तो ठीक ही है। बाय द वे, कल रात में काउचसर्फिंग हैंगआउट से बहुत लेट पार्टी किया और ये सनग्लास फ्री में मिला। फ्री में नहीं, 50 pounds, मतलब 150 रुपये अराउंड एक ड्रिंक था, और ड्रिंक के साथ ये सनग्लास। मुझे सनग्लास लेना था और सब जगह सनग्लास ऐसे ही 200 रुपये 300 रुपये कहते, तो ड्रिंक के साथ सनग्लास मिल गया, बढ़िया है। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बताया था कि वेस्टर्न यूरोप में ट्रेन टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, पर फ्लिक्सबस जैसे बस ऑप्शंस पे आप 5 से 7 यूरो में क्रॉस सिटीज ट्रैवल कर सकते हो। पर जब भी आप ईस्टर्न यूरोप या फिर सेंट्रल यूरोप आते हो तब आपको सस्ती ट्रेन मिल जाती है। जैसे आज मुझे मिला 320 रुपये में 3.5 घंटे की ट्रेन राइड फ्रॉम प्राग टू ब्रूनो, जो कि है चेक रिपब्लिक में सेकेंड लार्जेस्ट सिटी। बहुत कन्फ्यूजन है और मदद करने का कोई नहीं है, कोई हेल्पलाइन टूरिस्ट या फिर पुलिस वुलिस कुछ नहीं है। किसी तरह मैनेज करके आया हूँ इस 3S प्लेटफॉर्म पे, और पता नहीं कौन सी ट्रेन है। ये वाली है क्या? ब्रूनो 5:15:20, यही वाली है 196। यस, यू हैव काउच नंबर 1 एंड सीट 96, सो इट इज द लास्ट वन। लास्ट वन, पीछे आखिरी वाला, और ये वाली ट्रेन है। यूरोप में ट्रेन्स भी प्राइवेट कंपनी की तरफ होती है, जैसे हमारे यहाँ पे बसेस की प्राइवेट कंपनी है, यहाँ पे ट्रेन की प्राइवेट कंपनी है, तो कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा कंपनी का कौन सा ट्रेन। रिट्रोजेट, रिगिलोजेट, बज गए 3:19, 3:20 को ट्रेन छोड़ने के बाद भी 7 यूरो में 4 यूरो की ट्रेन है, तकरीबन 3-3.5 घंटे की ट्रेन है। सीट रिक्लाइनर नहीं है, चार्जिंग पोर्ट भी नहीं मिला, बोला है वाईफाई है, और ट्रेन बंद हो गया गेट। पानी की बोतल, यूरोप में आने के बाद ये पहली पैकेज ड्रिंकिंग वाटर मेरी, वरना तो टैप वाटर ही पी रहा हूँ। अवेलेबल है और वॉशरूम भी है, और ये चल पड़े हमारे पास। तकरीबन 2.5 घंटे की राइड के बाद आ गए ब्रूनो ही स्टेशन पे। राइड कंफर्टेबल थी और अनलिमिटेड इंटरनेट, जम के इंटरनेट किया। आगे ब्रूनो से बाहर एक स्टेशन, पर
मेन सिटी जाना है। तो ये है ब्रूनो के मेन ट्रेन स्टेशन, और मोस्ट प्रोबेबली आप ये पे उतरोगे अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो। और हॉस्टल मेरा थोड़ा दूर है, कैब ले सकते हैं या फिर पैदल चलेंगे। पैदल चल लेते हैं, अभी तो सिर्फ 6 बज रहे हैं। तो ब्रूनो बहुत ही शांत सिटी है, इसका पॉपुलेशन अराउंड 4 से 5 लाख है अपने लक्समबर्ग जैसे। और सबसे बेस्ट वार्ड, यहाँ पे कोई टूरिस्ट ट्रैप भी नहीं है और ये बहुत ही क्लीन है। लाइक वेस्टर्न यूरोप में इतना क्लीन सिटी नहीं मिले जितना कि मुझे चेक रिपब्लिक में मिले। राग भी बहुत क्लीन था और ब्रूनो तो। अगर आप सिर्फ प्राग घूमने आए हो तो आपको प्राग तो दिखेगा ही, पर मिलेगा बहुत सारा टूरिस्ट क्राउड। और जिन लोगों को टूरिस्ट क्राउड पसंद नहीं है, आप प्राग छोड़ के 3 घंटे दूर आ जाइए सेकंड बिगेस्ट सिटी ब्रूनो, जो कि है बहुत खूबसूरत और बिल्कुल भी अनटूरिस्टिक, तो आपको रियल ऑथेंटिक चेक एक्सपीरियंस मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये रूम मिला है मेरे को, बहुत ही रूमी है, बंगलो सा फील है। और लोअर बेड 6 बेड है और सिर्फ नहीं महंगा है, 850 रुपये, अराउंड 11 यूरोस, पर ठीक है, बहुत ही रूमी है। बेस्ट पार्ट क्या है कि किचन में ओवन भी है। और अभी GoPro को चार्ज भी देता हूँ, थोड़ा फ्रेश होता हूँ, फिर निकलते हैं, क्या देखते हैं ब्रूनो में मिलता है। ब्रूनो का असली मजा तो मैं दिखाने वाला हूँ अगले वीडियो में, फिलहाल इस वीडियो में देख लीजिए मैं उस दिन रात को क्या क्या किया। तो 8:30 बज चुका है, सब लेट अप हो चुका है। अब अभी तो और ईस्टर्न यूरोप आ चुके हैं, तो जितना ईस्टर्न आएंगे तो जल्दी जल्दी रात हो जाएगी। और मैंने आइसक्रीम लिया है, उन्होंने क्राउन्स कार्ड से पे किया है तो पड़ा 75 रुपीज़। चॉकलेट ढूंढूंगा, चॉकलेट थोड़ा मस्त था। And you guys also come back to watch my full travel story of Eastern Europe and South America.